नमस्कार, मैं एकता और आप देखें हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया, जहां निर्मला सीतारमण द्वारा इस बजट को देश के विकास के लिए कहा गया, वहीं अब विपक्ष भी इस बजट पे उठा रहा है सवाल। सपा के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव विशंबर निषाद ने उठाए हैं इस बजट पे सवाल, और इसे विकास के लिए न कहकर इन्होंने देश के खिलाफ बजट कहा है। नजर डालते हैं फतेहपुर से आने इस खबर पर। मैं विशंबर प्रसाद निषाद, सांसद राज्यसभा उत्तर प्रदेश। आज केंद्र सरकार ने 2021-22 का ये जो बजट प्रस्तुत किया है, ये बजट पूरी तरह से जो है किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। लॉकडाउन के समय जितने भी प्रवासी मजदूर जो है बेघर हुए थे, उनके रोजगार गए थे, उनके लिए कोई बजट में व्यवस्था नहीं की गई है। रक्षा के क्षेत्र में कोई बजट की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में नगण्य है, कृषि के क्षेत्र में नगण्य है, और जो बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है पूरी तरह से जो है शब्दों का मकड़ जाल है, झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने किसी प्रकार का कोई राहत अलग से नहीं दिया है। आयकर दाता सोचते थे कि हमको राहत मिलेगी, आयकर के स्लैब में कोई राहत नहीं दी गई है। इसी तरह से LIC जो हमारी बहुत बड़ी कंपनी थी भारत सरकार की, उसमें 50% से अधिक उनकी हिस्सेदारी थी सरकार की, उसको भी बेचने की तैयारी हो गई है। 74% जो है प्राइवेट शेयर होंगे तो पूरी तरह से LIC खत्म हो जाएगी। अब इन्होंने कहा कि 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों